मच वगैरह है, यहाँ पे गिटार है नकली वाला, कि 10 रुपये टिकट दे के जाना, मेरे को तो नहीं लगता कोई सही है, मेरे को तो लगता है ये सब फेक है। 360 ओ भाई साहब, रुक गए वहाँ पे अचानक। गुड मॉर्निंग आप सभी लोगों को, और देख सकते हो ये हो रहा है अभी जो है सुबह, पर वीडियो डालना है मेरे को, पर ये वीडियो बनेगा शाम को, और कैमरा में थोड़ा धुंध है क्या, वीडियो शूट हो रहा है सुबह, लेकिन मेन जो चीज है वो होगा रात को। तो अभी देखो सुबह हो रहा है और मेरी डेडिकेशन देखो वीडियो बनाने के लिए, जो सुबह उठ के वीडियो बना रहा है, मगर ये वीडियो होगा रात के लिए। और रात को मैं जा रहा हूँ अपना क्या बोलते हैं उसको यार, डिज्नीलैंड विंटर मेला, अपना जो सुपेला में लगता है सर्कस मैदान पे, तो वहीं पर जाऊंगा और विंटर मेला देखते हैं क्या क्या है और क्या नहीं है। ज्यादा से ज्यादा वीडियो थोड़ा छोटा होगा, लेकिन सुबह से बना रहा हूँ, देख रहे हो अभी टाइम हो रहा है कब, 10 बज रहे हैं और मेरे को शाम के 7-7:30 बजे तक रुकना है, 10 बजे से, समझ रहे हो। तो चलो जल्दी से रात करते हैं और सेक्टर रोड में मिलते हैं आपको फट से, चलो। तो यार ये आ गया हमारा गैरेज रोड फिर से, जो आपने हर वीडियो में देखा होगा इस रोड को, तो एक बार फिर देख लो सामने से लाइट मर रहा है और थोड़ा सा मतलब अंधेरा अंधेरा और शेक टाइप का आ रहा होगा, क्योंकि आज भी हमारे कैमरामैन हमारे साथ है और कैमरा पकड़ के चल रहे हैं। तो हाथ में जो ये जो वीडियो शूट हो रहा है ये हो रहा है मेरे फ़ोन से शूट। तो ये सेक्टर 1 आ चुका है, ये आ चुका है मजदूर चौक, और ये यहाँ से जाओगे तो हमारा सेक्टर साइड का पड़ेगा। तो ये है अपना गैरेज रोड फिर बता रहा हूँ एक बार, और सीधा जाएंगे और आज जा रहे हैं हम लोग वही क्या नाम था यार, डिज्नीलैंड अपना सुपेला का बोल सकते हो विंटर मेला लगता है इसमें, विंटर सीजन में आते हैं और मेला लगता है और बहुत ही बड़ा लगता है और बहुत ही ज़्यादा मस्त दिखेगा। तो चलो देखेंगे कि क्या क्या है और क्या नहीं है सब कुछ, और टिप्पणी अपनी देंगे उधर पे आपको और सब बताएंगे कि कैसे लग रहा है ये मेला। तो ये रोड को आप इंजॉय करो क्योंकि ये वही वही है, तो आज कितने दिन बाद एक टाइमलैप्स इंजॉय करो आप, क्योंकि सुपेला आने तक थोड़ा टाइम लगेगा, तो ये टाइमलैप्स छोटा सा आप इंजॉय करो। क्या नाम है अपना डिज्नीलैंड मेला अपना विंटर कार्निवल, तो देखते हैं अंदर क्या टिकट वगैरह भी लगेगा क्या, और देखते हैं क्या क्या है। तो बाइक को हम यहीं खड़ा करते हैं, यहाँ पर खाली जगह दिख गई है मेरे को थोड़ी सी, तो भाई खड़ा हो जा बाइक तुम भी और आगे बढ़ते हैं अब। तो यार सामने से कुछ ऐसा दिख रहा था, ये विंटर कार्निवल लिखा हुआ है सामने डिज्नीलैंड, तो इधर जाने के लिए टिकट लगेगा मेरे को नहीं पता था, तो मैं उस तरफ गया काउंटर के तरफ और उस तरफ गया तो लिखा था कि टिकट 10 रुपये और 3 साल के बच्चों तक लगेगा टिकट, मतलब 3 साल के बच्चे लगेगा टिकट, उससे नीचे में नहीं लगे, कन्फ्यूज़ हो जा गया था थोड़ा सा। तो मैं लिया 2 टिकट यहाँ से और आगे बढ़ने लगा, और आगे बढ़ते ही साथ ही वो आंटी से पूछा आंटी वीडियो बना सकते कि, तो आंटी ने कहा नहीं बना सकते। फिर अंदर गया और एक आंटी ने बोला हाँ बना सकते हो वीडियो, पर देख के तो मैंने सोचा चलो अब वीडियो शुरू कर दिया जाए यहाँ से। अब हम खुश होके अंदर घुस गए थे और व्लॉग बनाना चालू कर दिया, और चारों तरफ देखे तो क्या क्या थे भाई, इस तरफ थे क्या बोलते हैं ज्वेलरीज वगैरह फेक ज्वेलरीज, और इस तरफ कपड़े वगैरह थे, और भाई लोग बोल रहे थे व्लॉग बना रहे, तो मैं भी बोला सब्सक्राइब कर देना भाई लोग। तो यहाँ से हम सीधा जा रहे थे और आजू बाजू देखो यार क्या क्या है, इस तरफ कपड़े और एक्सेसरीज घर के बर्तन वगैरह सब थे, ठंडी के कपड़े, और इस तरफ फ्री फायर का कुछ था जो हमने देखा नहीं, और इस तरफ भी देख सकते हो कपड़े वगैरह, हर जगह कपड़े वगैरह, वो सिल्क एक्सपो भी था हमारे सेक्टर 6 का, वहाँ भी कपड़े वगैरह थे, और पीछे से कुछ ऐसा दिख रहा था। वहाँ से हम लोग अंदर आए और अब इस तरफ जा रहे हैं, वॉइस ओवर घर आके कर रहा हूँ क्योंकि वहाँ पे मैं बोल नहीं पा रहा था, बड़बड़ा नहीं पा रहा था बाकी जगहों के मुकाबले। तो यहाँ से फिर आगे गए, आगे में मेला लगा था मेरे को नहीं पता था, आगे आपको वीडियो में दिख जाएगा, और इस तरफ देख सकते हो इस तरफ मसाले वगैरह हैं, और इधर गया मैं कपड़े वो देखो जो चमक रहा है ना, इसकी रेट पूछने गया था उस समय, तो वो बताया था मुझे उसका करीब 1500 रुपये, भाई मेरी हालत ख़राब हो गई थी। और इस तरफ जो है मैं गया और देखा तो इस तरफ हर सामान जो है 10 रुपये
भाई 10 रुपये में। तो आप देख सकते हो क्या क्या है यहाँ, एक बार आओ और देख जरूर लेना। और देखो खुजलाने वाला वो हाथ है, और ये सब देख सकते हो चम्मच वगैरह, और बहुत कुछ था इधर 10 रुपये में। और इस तरफ देख सकते हो, इस तरफ भी। तो यार अच्छा ही है, 10 रुपये में आपको सामान मिल रहा है, तो और क्या चाहिए। और फिर आगे बढ़ने लगे हम लोग, और आगे बढ़ते ही साथ आगे तरफ जो था लकड़ी वगैरह का सामान, लकड़ी वाला सामान था, देख सकते हो चम्मच वगैरह है, यहाँ पे गिटार है नकली वाला, और भी बहुत कुछ था। ये सब है मेरे घर में कुछ कुछ। पर फिर हम लोग आगे बढ़ने लगा, और आगे बढ़ने साथ कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान और कान वगैरह का, फेक कान वगैरह भी देखने लगे, ज्वेलरीज वगैरह सब है। देख सकते हो ये क्या क्या है, पूरा नकली है, कुछ काम का नहीं है। फोकट इधर बहुत ही ज़्यादा महंगा था, मैंने रेट पूछा तो 100-200 रुपये का, जो 100 रुपये का मिलता है वो 200 रुपये का था, और 10 रुपये हमारा टिकट भी काटा गया था, तो सबसे बेकार है। तो आप जा रहे हो यहाँ तो ना जाए, क्योंकि 10 रुपये टिकट दे के जाना मेरे को तो नहीं लगता कोई सही है। उससे अच्छा आप चल जाइए सिल्क एक्सपो, हमारा सेक्टर 6 का फ्री है, आप घूम भी सकते हो, और इससे सस्ता सामान आपको मिलेगा। तो यहाँ पर देख सकते हो सूट वगैरह हो रहा है, और ये बॉल डाल के आपको 5 गिलास गिलाने हैं तो आपको कुछ इनाम वगैरह मिलेगा। और इस तरफ अंकल जी रिंग वगैरह फेंक रहे थे, तो अंकल जी का तो निशाना अच्छे से लगा नहीं, देख सकते हो जिसमें रिंग जाएगा वो सोडा वगैरह मिलेगा लगता है, पर अंकल जी थोड़ा चलो अंकल नहीं कोई बात नहीं। और इस तरफ बॉल अगर आपका जाता है उस नंबर पे तो उस तरीके का आपको इनाम मिलेगा। इधर घड़ी वगैरह रखाया है, सब रखाया है, मेरे को तो लगता है ये सब फेक है। पर फिर भी हम थोड़ा आगे बढ़े, और आगे बढ़ते ही साथ हमको मिले झूले वगैरह, और बहुत ही ज़्यादा मस्त मस्त झूले थे यहाँ पे। तो यार यहाँ से जो झूले दिख रहे थे ना, उसके नज़ारे की क्या बात करूँ, तो बहुत ज़्यादा मस्त लग रहा था, और बहुत ही ज़्यादा भीड़ था। तो मैंने मास्क को थोड़ा ऊपर पहन लिया ताकि कोरोना वायरस ना वापस हो जाए, मजाक कर रहा हूँ। सर फिर मैं थोड़ा आगे गया, और आगे आप देख सकते हो कि एक से बड़े एक झूले लगे, और ये वाला जो झूला है शायद अभी बनेगा, टाइम लगेगा इसका। तो चलो आगे बढ़ेंगे, फिर आगे बढ़ते साथ इस तरफ जो है, और फिर मैं आगे बढ़ा, आगे बढ़ते साथ ये वाला जो झूला देखा है, ये मेरे को उतना समझ नहीं आया कि कैसा है फिर, लेकिन और आगे बढ़े, और इधर बहुत ही ज़्यादा मस्त लग रहा था। माहौल तो एक तरफा था, और बहुत लोग थे ऐसा नहीं है, लेकिन कमा फूल रहे हैं ये लोग, विंटर सीजन वाले लोग। और फिर यहाँ मैं आकाश झूला देखा, और सामने में ये वाला झूला मेरे को बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है, ये थोड़ा अगर चल जाता तो मज़ा आता। और बाजू में ये आकाश झूला हमारा, देखो उन लोग कैसे डर रहे होंगे। और ये वाला झूला देखो, फिर मैं थोड़ा इसको वाइड एंगल में लेने की कोशिश किया, और वाइड एंगल में देखो क्या मस्त आ रहा था चारों तरफ, एक तरफा यार। और फिर मैं सोचा चलो अपना भी थोड़ा थोपड़ा दिखाया जाए, देख सकते हो मैं कैसे दिख रहा हूँ इधर, थोड़ा सा नहाया नहीं टाइप का, और सच में मैं नहाया नहीं था। और ये देखो ये वाला झूला फिर आगे जाने के बाद हमारे स्टार्ट हो गया, और ये इतना डरावना है ना झूला कि अगर आप अपने आँखों से भी देखो ना तो डर जाओगे यार, बहुत ज़्यादा ख़तरनाक था। तो इसको देख के हम फिर आगे बढ़ने लगे, और ये था इधर रेल गाड़ी वगैरह झूले थे, और बहुत ही ज़्यादा मस्त जगह था, झूले वगैरह लगे। और इस तरफ बच्चे लोग के लिए एक अलग से स्विमिंग पूल बना है, मैंने सोचा कि उधर अपना कैमरामैन को नहला दूँ, पर नहीं। फिर आगे बढ़ा, और इधर ढाबा हुआ भी बना हुआ है, फिर यहाँ से हम निकलने की कोशिश करने लगे, और वही सब मटके वगैरह देख सकते हो इधर आप। और फट 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 यहाँ से हम आगे बढ़ने लगे, क्योंकि वही सब था और देख चुके थे, तो कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या देखे। और इस तरफ कपड़े वगैरह देख सकते हो, कपड़े वगैरह भी हैं, और सामने में निकलते साथ एक पान वाला है, जो बहुत ही प्रकार के पान है, देख सकते हो ऊपर में लिखा है एक से बढ़कर एक पान। पुलिस वगैरह भी खड़े हैं इमरजेंसी के लिए। और फिर हम बाहर निकल गए, और आप देख सकते हो कि बाहर से कुछ ऐसा लग रहा है, अगर आप आना चाहो तो ये है बस क्या बोलते हैं इसको, सर्कस मैदान बोल दोगे तो आपको पहुंचा देगा सुपेला में। तो यार ये था हमारा यहाँ का क्या बोल सकते, कुछ भी बोलो यार, ये कार था एकदम से। तो अब चलते घर पे, और गाड़ी यहाँ कहीं खड़ी थी तो गाड़ी पे बैठते और निकलते हैं। और वो वाला झूला देखो यार, एक बार हालत खराब हो जाती होगी उस झूले में सबकी, देख रहे हो उन लोग को चिल्लाते हुए कैसे, भाई साहब एकदम खतरनाक। ओ भाई साहब, ओ भाई मोड़ ले पूरा भाई, उनकी हालत खराब हो जाती होगी ऐसे में, एकदम 360। ओ भाई साहब रुक गए वहां पे अचानक, रे 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 भाई, उस जगह पे हालत एकदम खराब हो जाएगी, देख सकते हो। रे भाई साहब उनकी हालत एकदम खराब हो चुकी होगी।
है। ओ भाई साहब, मेरी आंख, मेरे को तो यहाँ से ही डर लग रहा है। तो यार ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट जरूर बता देना, और यहाँ आना जरूर बहुत ही ज्यादा बेहतरीन लगा, पर वही है पार्किंग का और टिकट का पैसा बिल्कुल वेस्ट है। तो देख लेना, अगर आना है तो आ जाना, झूला वगैरह जरूर झूलना। तो मैं मिलता हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बोल दो यार बाय करके बाय। तो एक बार घूम ले घूम ले घूम ले।